नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैर न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा में आज दिनांक को स्थानीय स्वयंवर विभाग घर में रॉयल राजपूत महिला प्रकोष्ठ संगठन की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसकी मुख्य अतिथि डॉक्टर निशा सिंह बघेल, प्रदेश अध्यक्ष रॉयल राजपूत संगठन महिला प्रकोष्ठ रही, साथ ही जिला प्रभारी आयोजनकर्ता रश्मि सिंह रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कृति सिंह, जिला प्रवक्ता सतना रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दहेज मुक्त क्षत्रिय समाज के लिए अपनी लड़ाई को और दृढ़ता के साथ जारी रखने का संकल्प लिया गया, क्योंकि क्षत्रिय नारियां ही इस कुरीतियों को जड़ से नष्ट कर सकती हैं। समाज में पूर्व से आज तक अनेकों कुरीति हैं, जिसे समाप्त करना प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। जैसे बेटे के समान ही बिटिया से भी लाड़ दुलार और शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देने और उसे आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संभाग अध्यक्ष किरण सिंह बघेल, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, नगर अध्यक्ष शिखा सिंह, जिला संयोजक प्रतिभा सिंह, जिला प्रवक्ता नेहा सिंह सेंगर, छात्र संघ अध्यक्ष श्रद्धा सिंह सहित सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम तीन समस्याओं पर अपने विचार रखना चाहेंगे। सबसे पहला जो कि समाज में आजकल एक कैंसर का रोग जैसा तो फैलता जा रहा है, वो है दहेज की समस्या। हम सबसे पहले जितने भी हमारी मात्र सखियां बैठी है, हम सभी से अनुरोध यह करेंगे, अगर हो सके भाई, देखिए सबके घर में जेंट्स हैं, थोड़ा लड़का पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है, जितना हो सके हम कोशिश ये करें किसी गरीब का जमीन न बिके, किसी गरीब का न बिके, हर न बिके तो उस बेटी की शादी कम से कम हो। तो ऐसे अगर हर लेडीज हम लोग पहल करें, आपस में बैठ कर चर्चा करें कि कुछ भी हो, जो भी लोग हमारे घर में आए वो कर्ज ले कर गए आए, क्योंकि अगर हमारे घर में जो भी बेटी आ रही वो माँ को गिरफ्तार बना करा दो तो कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंची। ठीक है, हम लोग सब कोई संपन्न घर से है, लेकिन बहुत ऐसे हमारे ही समाज के लोग हैं जो कि दहेज देने में समर्थ हैं, और हर गरीब गरीब से गरीब भी होगा लेकिन चाहता है कि हमारी बेटी अच्छी करती है, सुखी करती है। तो जितना हो सके हम लोगों से तो हर गरीब की बेटी को अच्छे घर में पहुंचाने की कोशिश करें। अगर मां गया तो ठीक है, नहीं तो देना तो है, हम देने के लिए नहीं मना कर रहे, भाई हमारे पास है हम देंगे, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे बात नहीं रखनी। इसके लिए अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो हमें माफ करिएगा, लेकिन हमारा पता नहीं कि वो दिन रात बस यही जीवन चलता है कि हर गरीब की बेटी को सुख मिले, हर गरीब की बेटी अच्छे घर में जाए। क्योंकि देखिए यार, गरीब से गरीब कोई भी पिता होगा, कोई भी बाप पढ़ाना समझा है, इसी तरह हम बच्चियों को पढ़ा तो ले रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई के बाद शादी की बात आती है तो छट पटाना शुरू करते हैं कि कैसे हम इतनी पढ़ी लिखी अपनी बेटी कैसे हम अच्छे घर में पहुंचा जाए। और दूसरी हमारी जो हमारा मतलब खुद का अपना एक चिंतन चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को नशा मुक्त करने की कोशिश करें। देखिए कुछ भी हो, हम लोग पास फ्री मंत्रालय है, सबसे पावरफुल मंत्रालय हमारे पास है। हम अगर सक्सेस हो गए सिर्फ अपने घर को नशा मुक्त बना रहे, बहुत बड़ा संघर्ष है, खास लेडीज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। अपने घर में ही लड़ना ट्रेनिंग की हर घर में यही चल रहा है, क्यों अगर आप ये बोलती है नशा के लिए तो आप तो देखना पसंद नहीं करें, खुद हमारे हस्बैंड सब कुछ कहा करो, लेकिन इसके लिए मत करो क्या करो। जो हमारे घर की रियलिटी है वो बता रहे हैं, हमारे हस्बैंड बोले कि ना सब कुछ होगी मैं मान लूंगा, लेकिन अगर तुम पीने के लिए मना करोगी तो मैं आप लोगों से मिलकर और कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ पहले से, और आप लोग मैं चाहती हूँ आप लोग इस चीज को सुधार सकते हैं आगे। और जिस तरीके से आज ये बैठक स्टार्ट हुई है परिचय के साथ, और मैं चाहती हूँ कि ये अब जारी रहे, ठीक है। इसके लिए आगे है मेरा किरणिता से, इस चीज को आप आगे बढ़ा सकती है और आगे बढ़ाए, ठीक है, और सबको इस चीज को मार्गदर्शन की बहुत जरूरी है, वो आपके सपोर्ट के लिए रहेगी। मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, और इस चीज को हमेशा आगे बढ़ा के रहना, ठीक है। अब लिखना चाहिए रीवा सतना भी आगे है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोपाल और छत्तीसगढ़ में ही प्रोग्राम हो रहे हैं। अब कम से कम उसको फेसबुक पे हमारे की जो फोटो आए आप लोग को भी लगता है हम भी आगे हैं।
ऐसा करते हैं, हावी हुआ।